एक कंपनी 2019 में 47 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन से उसी वर्ष 10 बिलियन डॉलर की हो गई और अब 2023 में यह केवल 1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर कारोबार कर रही है, जिसका अर्थ है कि पिछले 3 वर्षों में इसका 98% वैल्यूएशन और इन्वेस्टर का अनगिनत पैसा खो गया है। यह इतनी नाटकीय स्टार्टअप फेलियर है कि एप्पल टीवी ने इस पर सीरीज भी बनाई है। आज हम बात करेंगे वीवर्क के राइज एंड फॉल की रियल कहानी की। अराजकता, तबाही और भयानक बिजनेस डिसीजन लेने के बावजूद वीवर्क एक कंपनी के रूप में अभी भी मौजूद है, हालांकि आश्चर्यजनक रूप से नए लीडरशिप के अंडर, जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कंपनी को जिंदा रखे हुए है। वीवर्क को कैश की कमी का सामना करना पड़ रहा है। करंटली इसकी बर्न रेट $1.7 बिलियन पर ईयर है। शायद 2030 के अंत तक इसका सारा कैश खत्म होने वाला है, क्योंकि इसके खाते में सिर्फ $300 मिलियन कैश बचा है। बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स के साथ पैसा उधार लेकर जीवित रहना भी बहुत मुश्किल है। बात करेंगे वीवर्क और इसके फाउंडर एडम न्यूमैन, जो 2001 में इजरायली नौसेना छोड़कर यूएसए चले गए और न्यूयॉर्क में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। वीवर्क स्टार्ट करने से पहले उनका बिजनेस वेंचर क्लॉरर नाम का एक बेबी क्लॉथ कंपनी थी, जो घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के लिए घुटने के पैड वाली पैंट बनाती थी। उनका यह स्टार्टअप फेल हो गया था। फिर 2008 में उन्होंने को फाउंडर मिगुएल मैक कैलवे के साथ एक इको फ्रेंडली को वर्किंग ग्रीन डेस्क शुरू किया। 2010 तक उन्होंने कंपनी को बेच दिया और उन पैसों से न्यूयॉर्क में वीवर्क का पहला ऑफिस स्टार्ट किया। को वर्किंग ऑफिस का कॉन्सेप्ट 90 के दशक से चला आया है, लेकिन 2005 से ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इस लहर पर सवार होने के लिए वीवर्क की स्थापना 2010 में हुई थी। एक मॉडर्न डे टेक कंपनी का विचार आज की जनरेशन के लिए, ग्लैमर में डूबी कटिंग एज टेक कंपनी, ऑफिस में टी शर्ट और हाफ पैंट पहनना और कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर जो वर्कर्स को 9-to-5 बोरिंग जॉब से मुक्त करता है, ठीक यही सपना वीवर्क लोगों को बेचता है। वीवर्क कोवर्किंग बड़ी ऑफिसेज रेंट पर लेता है और उसमें वर्ल्ड क्लास इंटीरियर करके छोटे छोटे ऑफिसेज बनाकर फ्रीलांसर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स और यहाँ तक कि कुछ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दिग्गजों को किराए पर देता है। हालांकि जिस चीज ने कंपनी को शुरुआत से ही पॉपुलर बनाया, वो मार्केट में जाकर इस आइडिया को बेचने की उनकी एबिलिटी थी। ओपन स्पेसेस, कोलैबोरेटिव एरियाज, यह हिप और फ्रेश था। उनके कोई भी ऑफिस में कदम रखते यह आपको मॉडर्न ऑफिस की तरह दिखता है और महसूस भी होता है। साथ ही आप सिर्फ एक डेस्क भी किराए पर ले सकते हैं, वह भी सिर्फ एक दिन जितनी छोटे पीरियड के लिए। आपको फर्नीचर, डेस्क, कुर्सी, प्रिंटर खरीदकर कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ साथ इंटरनेट, बिजली और आपके केबिन की साफ सफाई और टी कॉफी का इंतजाम की कोवर्किंग कंपनी द्वारा ही किया जाता है। एडम न्यूमैन की वीवर्क को स्केल करने की स्ट्रेटजी वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने वीवर्क को एक टेक कंपनी के रूप में फ्रेम किया, अपने स्पेस की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल और अन्य स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे वीवर्क को यह समझने में मदद मिली कि एग्जैक्टली लोग अपने स्पेस को कैसे यूज करते हैं, नेक्स्ट ऑफिस कहाँ बनाना है और ऑफिस का इंटीरियर कैसा दिखना चाहिए। वीवर्क ने खुद के लिए एक टारगेट ऑडियंस हो जा और तेजी से ग्रो करने लगा। कंपनी एक रोमांचक तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप थी। सितंबर 2019 में 47 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी। वीवर्क के लिए चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, जब तक लोगों ने कंपनी में और महत्वपूर्ण रूप से उनके फाउंडर और सीईओ एडम न्यूमैन को देखना शुरू नहीं किया था। आईपीओ फेल होने से लेकर एक बदनाम सीईओ तक, आइए एक नजर डालते हैं वीवर्क की कहानी पर। एक प्रीमैच्योर बोगस टेक जायंट कंपनी जो हमारी आंखों के ठीक सामने किसी भी वक्त गिर सकती है। कंपनी को गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर्स से बड़ा समर्थन मिला है और यहां तक कि अमेज़न ने वीवर्क में निवेश किया है। वीवर्क ने 2009 के बाद से कुल $22.5 बिलियन की फंडिंग हासिल की है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स बढ़ते हुए वीवर्क में कैश पंप करती रही। इन कैश पंपर्स में से एक सॉफ्ट बैंक के सीईओ बायायोशी सन थे,
माया योशी ने कुछ दशक पहले शायद अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया था जब उनसे अलीबाबा को फंड करने के लिए एक यंग लड़के जैक मा को 20 बिलियन डॉलर दिए थे। 2017 में माया योशी ने सिर्फ 12 मिनट की एडम से मुलाकात के बाद $4.4 बिलियन फंडिंग देने का फैसला किया था, जिसके बाद वीवर्क ने दुनिया भर के 123 शहरों में 847 लोकेशंस पर अपने ऑफिस खोलने के लिए अपने इन्वेस्टर्स के पैसों का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट वीवर्क सेंट्रल लंदन का सबसे बड़ा ऑफिस ऑक्यूपायर और मैनहट्टन में सबसे बड़ा प्राइवेट ऑफिस किराएदार था। मई 2019 में उबर के आईपीओ के 3 महीने बाद अगस्त में वीवर्क अपने आईपीओ की तैयारी के वक्त यूएसए में दूसरी सबसे वैल्यूएबल वेंचर बैक कंपनी बन गई थी। सवाल ये उठता है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक वीवर्क को क्या हो गया। सारी समस्याएं तब शुरू हुई जब वीवर्क ने अपना आईपीओ फाइलिंग शुरू किया। इन्वेस्टर्स यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर 47 बिलियन वैल्यूएशन का मांजरा क्या है। आईपीओ दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान एक कंपनी को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बहुत सारी जानकारी डिस्क्लोज करने की आवश्यकता होती है। बाजार में निवेशकों को वीवर्क के 47 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर संदेह था। वीवर्क आईपीओ फाइलिंग के इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला कि उसे पर न्यू कस्टमर $5,000 से अधिक का नुकसान हो रहा था। समस्या तब बढ़ गई जब एडम न्यूमन द्वारा ऑफिस में नशे के लिए नशीली दवाइयों और शराब के उपयोग के बारे में समाचार सामने आए। आपको एडम्स के चरित्र का अंदाजा देने के लिए एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने वीवर्क शब्द का ट्रेडमार्क कराया, फिर उन्होंने अपनी ही कंपनी को WEV यूज करने के लिए लाइसेंस फी के रूप में $5.9 मिलियन का पेमेंट लिया। समस्या इसके बिजनेस मॉडल में है। अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए एडम न्यूमन ने वीवर्क के बिजनेस मॉडल को एक टैक कंपनी की तरह पोर्ट्रेट किया, जो गलत था। हालांकि वो सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल कैपिटल इंटेंसिव होता है। सवाल ये आता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेक कंपनी की वैल्यूएशन रियल एस्टेट कंपनी से ज्यादा लगाई जाती है। कोवर्किंग एक रियल एस्टेट बिजनेस है जो कुछ इस तरह से काम करता है। वीवर्क या कोई भी कोवर्किंग कंपनी लैंड ओनर से एवरेज 15 साल का एग्रीमेंट बनाकर भाड़े पर प्रॉपर्टी लेती है। इसका मतलब यह है कि वीवर्क के लिए ऑफिस का रेंट हर साल फिक्स अमाउंट में जाता है, लेकिन कंपनी उस फिक्स अमाउंट में ली हुई प्रॉपर्टी को वेरिएबल अमाउंट में फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप को देती है। वीवर्क 15 साल कॉन्ट्रैक्ट पर ली हुई प्रॉपर्टी को एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने और मैक्सिमम 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर देती है, वो भी एक कुर्सी टेबल जितने छोटे भागों में बांटकर। इस सिनेरियो में यदि ऑक्यूपेंसी हाई है या प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती है तो वीवर्क उस जगह से पैसे कमाता है। हालांकि अगर ऑक्यूपेंसी ड्रॉप हो जाती है या प्रॉपर्टी की कीमतें गिर जाती है तो वीवर्क को उस प्रॉपर्टी से कम इनकम होगी, फिर भी उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट पे करना होगा। इससे कंपनी को लॉस होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी के एवरी मंथ एक्सपेंस फिक्स है लेकिन इनकम वेरिएबल है। ये रिस्की प्रपोजिशन है टेक कंपनी की तुलना में। एडम ने खुलेआम कहा कि उन्हें पसंद है कि कैसे शराब एग्जीक्यूटिव गेट टुगेदर के दौरान लोगों को एक साथ लाती है। $110 पर बोतल वाले टकीला के मामले कथित तौर पर हमेशा पहुंच के भीतर थे। कहा जाता है कि इन एग्जीक्यूटिव रिट्रीट्स में शराब का पीना सुबह से ही शुरू हो जाता था। एडम न्यूमन द्वारा इसराइल में गांजे की स्मगल करने की कोशिश करने का एक मामला भी आया था, एक ऐसा देश जहां यह बहुत ही इल्लीगल है। दोस्तों के साथ अपने प्राइवेट जेट पर इसराइल की एक ट्रिप के दौरान जेट के लैंड होते ही पायलट और क्रू स्टाफ को एक डिब्बे के अंदर छिपा ड्रग्स मिला। पायलट एंड क्रू इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में फंसने के डर से न्यूमन को इसराइल में फंसे हुए छोड़कर तुरंत जेट उड़ाकर वापस चले गए। इतना ही नहीं, एडम न्यूमन ने वीवर्क से उन प्रॉपर्टीज का किराया वसूल किया जिनके वे खुद मालिक थे, और तो और उन्होंने 1% से कम इंटरेस्ट रेट पर वीवर्क से करोड़ों डॉलर उधार लिए थे। कंपनी को 1.6
मिलियन डॉलर का नुकसान होने के बावजूद उसने उस वर्ष 60 मिलियन डॉलर का कंपनी के नाम प्राइवेट जेट खरीदा था। न्यूमैन की इन करतूतों ने उनको इन्वेस्टर्स की नजरों में सस्पिशियस बना दिया था। इन्वेस्टर एक मत से बैड इन्वेस्टमेंट के रूप में वीवर की आलोचना कर रहे थे और न्यूमैन के कैरेक्टर के बारे में खबरें सुर्खियां भरने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि 2019 में आईपीओ को रोक दिया गया और न्यूमैन को सीईओ के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उसे कंपनी से बाहर कर दिया गया। न्यूमैन द्वारा खरीदे गए 60 मिलियन डॉलर के जेट को भी बेच दिया गया। कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है कि इन सारी घटनाओं के बावजूद न्यूमैन कंपनी से 1.7 बिलियन डॉलर लेकर निकला, जबकि कंपनी के हजारों एम्प्लॉइज को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कंपनी का कैश क्विकली खत्म हो रहा था और इन्वेस्टर्स की सख्त जरूरत थी, इसलिए अक्टूबर 2019 में सॉफ्टबैंक ने एडिशनल 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया और सॉफ्टबैंक कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के रूप में वीवर्क पर कंट्रोल करने लगा। 2023 तक वीवर्क चालू रखने के लिए सॉफ्टबैंक सिस्टम में अब तक $16 बिलियन का निवेश कर चुका है। सॉफ्ट बैंक के अलावा कुछ और इन्वेस्टर्स के फंड और डेब्ट के साथ कुल 22.5 बिलियन डॉलर निगलने के बावजूद वीवर की नींव डगमगा रही है। अब सारी उम्मीदें भारतीय मूल के संदीप मथरानी पर टिकी हुई है, जो एडम न्यूमैन को निकालने के बाद सॉफ्ट बैंक द्वारा 3 साल पहले वीवर के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। संदीप मथरानी को 30 सालों का अमेरिका के रिटेल रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस है। सॉफ्ट बैंक ने उनके एज अ सीईओ 2 साल के काम को देखकर उन्हें अब वीवर्क का चेयरमैन भी बना दिया है। लेकिन वीवर्क पर खतरे का बादल अब भी मंडरा रहा है और यह उनके कंट्रोल से बाहर है। फाइनेंशियल मार्केट्स की हेल्थ, रिसेशन और बढ़ती ब्याज दरों की वजह से। यह थी स्टोरी कैसे एक कंपनी की वैल्यू 47 बिलियन डॉलर और एक स्टार्टअप पोस्टर बॉय के रूप में फॉर्च्यून और फोर्ब्स पर फीचर होने के बाद $1 बिलियन तक गिर गई। अगर आप ऐसी ही बिजनेस केस स्टडी के तलाश में रहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे आने वाली एक्साइटिंग बिजनेस स्टोरीज का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।